हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बायर मेसर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका हर वर्ड आपको मोटिवेट करेगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि वो भी हम सब आपकी तरह इसी पृष्ठभूमि से आगे बढ़े हैं, और जो अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की है वो एक बिग अचीवमेंट है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से और हम सभी की जैसी पृष्ठभूमि से है, वहाँ से आगे बढ़ना और कौन सी पोस्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ तक जाना एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ HCS बने श्री सुरेश दलाल जी। HCS बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जैसे हर रोज़ के अपने काम है या खेत में जाना है, घर के जो काम है उनमें हाथ बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें करते हुए हम सब की तरह, और इस उपलब्धि पर जाना एक बड़ी अचीवमेंट है। टाइम दिया क्योंकि आपका टाइम इतना कीमती है, उसके लिए सर थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जितने भी बच्चों के कमेंट आते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके कमेंट आते हैं सर कि हरियाणा पुलिस की जो तैयारी करना वो मुश्किल है, ग्राम सचिव की तैयारी करना मुश्किल है, और सर आपने फर्स्ट टाइम HCS के बारे में सोचा था और वो अचीवमेंट प्राप्त की, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम का कोई भी टेस्ट है ना, आसान नहीं होता, सभी में मेहनत की ज़रूरत होती है और HCS में भी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें ये है कि हमें कंटिन्यू लगातार मेहनत करनी होती है और वो ऑब्जेक्टिव न करके सब्जेक्टिव तैयारी करनी होती है। और ये मेरी एक दिन की मेहनत की नहीं, कई सालों की मेहनत का नतीजा है कि मैं इस परीक्षा में सफल हो चुका हूँ। मैं इस परीक्षा में 2013 से तैयारी कर रहा था और मैंने पहले भी टेस्ट पास किए हैं, लेकिन आखिरी समय में मैं सफल नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो टेस्ट हुआ उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे और मेरी क्वालिफिकेशन और अन्य जो कोकुलर एक्टिविटी के नंबर्स थे उनमें मैं भी प्रथम था मैं, तो इसके कारण मेरे को इस परीक्षा में सफलता मिली है। एक सर, जैसे आपने कहा कि कई अटेम्प्ट थे जिनमें आप एक दो अटेम्प्ट में रह गए थे, तो हमारा जो चैनल है ट्रू इंग्लिश क्लासेस उसमें कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैं 2 बार वेटिंग में रह गया, सर 3 बार वेटिंग में रह गया, तो वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग में रह गए तो तैयारी छोड़ दो। आपको अगर सफल होना है तो आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करनी होगी, ये वेट करना है कि परीक्षा कब होगी, आपको कंटिन्यू चाहे फार्म हो या न हो, टेस्ट रखा हुआ हो या ना रखा हो, आपको लगातार परीक्षा की तैयारी में लगा रहना पड़ेगा। हर हाल में बारिश हो रही हो, धूप पड़ रही हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, 4-5 घंटे तो कंटिन्यू आपको निकालने ही पड़ेंगे, तब आप सफल होंगे। सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कई बच्चे हैं सर 1 महीने का टारगेट बना लेते हैं कि 1 महीना मैं तैयारी करूँगा, कई 1 साल का टारगेट बना लेते हैं, लेकिन आपने सर जब तक सक्सेस प्राप्त नहीं हुई तब तक आपने तैयारी की है, कितना मुश्किल है सर ये? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। अगर हमारी महत्वाकांक्षा ऊँची होगी तभी हम उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और वो प्रयत्न भी हमारा जितनी महत्वाकांक्षा ऊँची है उतने ही प्रयास ऊँचे होने चाहिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सर आज का, कि अब जो एक तो ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, इन सब के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक है और बच्चे मतलब ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के प्रति, तो उनके बारे में सर वो मोटिवेट हों तो क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप रिलैक्स होकर तैयारी करें, ये नहीं भाई दिन रात जुटे रहे, आप तैयारी के बीच बीच में रेस्ट लें और खेलने में या और किसी गतिविधि में थोड़ा हिस्सा लें, उसके बाद फिर तैयारी में जुट जाएं। अपना लक्ष्य रखें, ऊंचा लक्ष्य रखें कि मैंने 90% नंबर लेने, 85 लेने हैं, ये नहीं कि पास होना है, मैंने मेरिट में आना है, ये लक्ष्य रख के कंटिन्यू तैयारी करें। तो सर आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए अगेन थैंक्स सर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।